हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो संजीर कतर और मैं हूं मोहम्मद संजीर आलम। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप कतर से इंडिया जाना चाहते हैं या तो किसी और देश से आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना होगा। इसके अलावा बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से कतर आना चाहते हैं या तो आप नेपाल से कतर आना चाहते हैं या तो बांग्लादेश से आना चाहते हैं या तो श्रीलंका से आना चाहते हैं या तो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, आपने वैक्सीन लिया है या तो नहीं लिया है, आपके पास कतर आईडी है या तो आपके पास न्यू वर्क वीजा है, तो आपको आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। इससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलता है और आने वाले वक्त में भी मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लोग कतर से इंडिया जाना चाहते हैं या तो कहीं और से भी इंडिया जाना चाहते हैं, उन लोगों को जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पर आपको मैं दो कैटेगरी में बताऊंगा, एक तो फुली वैक्सीनेटेड, उसके अलावा एक होगा अनवैक्सीनेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, अगर इंडिया जाना चाहते हैं, आप वैक्सीनेटेड है तो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसको भरना होगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म पे आपको जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना होगा। तीसरे नंबर पे आपके पास टिकट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ये सब तो आम बात हो। चलिए बात कर लेते हैं, जो लोग अनवैक्सीनेटेड है या तो वैक्सीन लिया है, उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को इंडिया जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। सबसे पहले इंडिया जाने से पहले आपको 72 घंटे के अंदर का एक आरटीपीसीआर टेस्ट करा के जाना होगा। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपके पास टिकट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपके पास में ये जो तीन चीजें है ये होना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं, जो लोग नए वर्क वीजा पर इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये पांच देश से कतर आना चाहते हैं तो उनको आने से पहले क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना होगा। तो सबसे पहले अगर फुली वैक्सीनेटेड लोगों की बात कर ले तो आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के वेबसाइट पर जो लोग नए वर्क वीजा पर आ रहे हैं इन लोगों के बारे में कुछ खास नहीं लिखा गया, कुछ स्पेशल नहीं लिखा गया है, पर बहुत सारे मेरे देखने वाले लोगों ने एक दिन का क्वारंटीन बुक करके आया है। अगर आप कतर एयरवेज के वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं, कतर आने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देश से आने के लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो आपको कतर एयरवेज के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है या तो रिकवर है, आने से पहले क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। इसके अलावा वहां पर लिखा गया आने से पहले पीसीआर टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे नए लोग आए हैं कतर, एक दिन का क्वारंटीन बुक करा के आए हैं। अभी ये आपके ऊपर है, आपको बुक करा के आना है या नहीं आना है। आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है, आप जिस फ्लाइट से आ रहे हैं उस फ्लाइट के कॉल सेंटर से आप बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात करके मालूम कर सकते हैं आपको कतर आने के लिए क्वारंटीन बुक करना होगा या नहीं करना होगा, आपको पीसीआर कराना होगा या नहीं कराना होगा। यहाँ पर बता दूं, अगर आप एक दिन का क्वारंटीन बुक करा के आते हैं तो आपको पीसीआर भी करा के आना होगा 48 घंटे के अंदर का। इसके अलावा आपको एतराज के जो वेबसाइट है इससे अप्रूवल भी लेना होगा। अगर आप अप्रूवल का पेपर नहीं लेके आते हैं तो आपको एक दिन के बजाय 5 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जो लोग नए वर्क वीजा पर आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उन लोगों के लिए या तो वैक्सीन लिया है, वह वैक्सीन लिया है जो कतर में अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे लोगों को आने से पहले 5 दिन या तो 7 दिन का क्वारंटीन बुक करके आना होगा। दूसरे नंबर पर आने से पहले 48 घंटे के अंदर का एक पीसीआर टेस्ट करा के आना होगा। तीसरे नंबर पे एतराज के वेबसाइट पर जाकर के अप्रूवल हासिल करना होगा। ये तीन पेपर आपको लेके आना होगा। इसके अलावा आपके पास वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, टिकट हो गया, ये सारे चीज आपको लेके आना होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जिन लोगों के पास कतर आईडी है उन लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के वेबसाइट पर लिखा गया है। यहाँ पर बता दूं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं कतर के अंदर या तो कतर से बाहर, इसके अलावा आपको कतर के अंदर या तो कतर से बाहर आपको कोरोना हुआ था, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको कोरोना हुआ था वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको कतर आने से पहले पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है।
कतर आने से पहले आपको क्वारंटीन भी बुक करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास कतर आईडी है उन लोगों को कतर आने से पहले एहतराज के वेबसाइट से अप्रूवल हासिल करना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो लोग कतर से बाहर वैक्सीन लेके आ रहे हैं, जिन लोगों के पास कतर आईडी है, तो आपको एहतराज के वेबसाइट पर जाकर आपने जो कतर से बाहर वैक्सीन लिया है उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है, ताकि आपके एहतराज ऐप में गोल्डन फ्रेम लग जाए। कैसे आपको अपलोड करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिल जाएगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कतर आईडी है, फुली वैक्सीनेटेड है या तो रिकवर है। चलिए जान लेते हैं जो लोग अनवैक्सीनेटेड है उन लोगों को कतर आने से पहले क्या करना होगा। सबसे पहले तो 5 या तो 7 दिन का होटल क्वारंटीन या तो मैकिनेस के अंदर क्वारंटीन बुक करना होगा। दूसरे नंबर पे अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए कतर आने से पहले पीसीआर टेस्ट की जरूरत है, जो 48 घंटे का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे एहतराज के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है जिन लोगों के पास कतर आईडी है। अगर आप लोगों के पास कतर आईडी है, आप कतर आ रहे, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सारे देश से आ रहे, आप अपने देश में पीसीआर टेस्ट करा के नहीं आ रहे, आपको कतर आने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा किसी प्राइमरी हेल्थ केयर या तो किसी प्राइवेट हेल्थ केयर में जाकर के आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए आपको देने होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 50 रियाल। जिन लोगों को क्वारंटीन में रहना होता है, जिन लोगों ने क्वारंटीन बुक किया है, उन लोगों को क्वारंटीन में ही रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर आपने एक दिन का क्वारंटीन बुक किया है तो आपको पहले दिन ही रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। रिजल्ट नेगेटिव आने पर आपको जाने दिया जाएगा। अगर आपने 5 दिन या तो 7 दिन वाला बुक किया है तो आपको 5वें दिन या तो 7वें दिन रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, आप अपने काम के जगह पे आ सकते हैं। इस वीडियो में हमने इंडिया जाने वाले लोगों के लिए, इसके अलावा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा यहाँ पर नेपाल से आने वाले लोगों के लिए कतर आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है आपको इस वीडियो में हमने बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, जब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।